नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स। विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज आमने सामने होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी ही आसानी से जीत लिया, तो वहीं वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान को बुरी तरीके से मात दी। वनडे क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है और ये मैच 2019 के विश्व कप में काफी रोमांचक साबित हो सकता है। तो ऐसे में नजर डालते हैं वर्ल्ड कप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के आंकड़ों पर। वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड की बात करें तो दोनों में वेस्ट इंडीज आगे है। दोनों टीमों के बीच अब तक 9 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 5 में वेस्ट इंडीज को तो 4 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा और सबसे कम रनों के अंतराल से जीत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रनों के अंतराल से जीत 2008 में दर्ज की थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 169 रनों से हराया था। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 1987 में 164 रनों से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे कम रनों के अंतराल से जीत 2008 और 1989 में की थी। 2008 में 1 रन तो वहीं 1989 में 2 रनों से जीते थे। वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 1988 में 1 रन से हराया था। अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के डेसमंड हेंस के नाम है। हेंस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 मैचों में 2,262 रन बनाए हैं। मौजूदा बल्लेबाजों में वेस्ट इंडीज के मार्लोन सैमुअल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 मैचों में 632 और केरान पोलार्ड ने 21 मैचों में 623 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली के नाम 11 मैचों में 452 रन हैं। वहीं अब नजर डालते हैं दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज पर। वनडे में इन दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के क्रेग मैकडरमॉट ने 63 विकेट लिए हैं। वेस्ट इंडीज के मौजूदा गेंदबाजों में सुनील नारायण ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 14 मैच में 19 और मार्लोन सैमुअल ने 29 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 6 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच सबसे ज्यादा शतक वेस्ट इंडीज के डेसमंड हेंस के नाम है, जिन्होंने 6 शतक लगाए हैं। वहीं मौजूदा बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा शतक वेस्ट इंडीज के ही केरान पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1 शतक लगाया है। वेस्ट इंडीज के मौजूदा बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा अर्धशतक मार्लोन सैमुअल के नाम है, जिन्होंने 4 अर्धशतक लगाए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के ही जॉर्ज बेली ने 3 अर्धशतक लगाए हैं। तो ये तो था आंकड़ों का खेल, लेकिन हार जीत के नतीजों के लिए असली खेल के शुरू होने का इंतजार करना होगा। नतीजों और रिकॉर्ड्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।